हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जेनरेटिव इमेजिनेशन। मैं आज आप लोग के साथ गैंगस्टर लव एंड ऑब्सेशन का पार्ट 11 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि लास्ट वीडियो में मेरा कॉपीराइट पड़ा था, इसलिए मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्स्ट्रा किसी भी तरीके के म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं किया है। और अभी हम लोग वीडियो को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। जॉन मैंसन में बोगम और मिस्टर ली दोनों ही जोंगकुक का वेट कर रहे थे। सबने लंच कर लिया था और लिविंग रूम में बैठकर जोंगकुक का वेट करते हुए बातें कर रहे थे और शादी के बारे में भी कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। अदर साइड जोंगकुक तेई को लेके मेंशन में आता है और उनका पर्सनल मेड मिस हान डोर को ओपन करती है। जब मिस हान डोर को ओपन करती है तो वो शॉकली खड़ी रह जाती है और तभी वो कहती है, प्रिंस। तो जिन कहती है, मिस हान क्या हुआ, कौन आया है? तब मिस हान अपने टूटे फूटे साउंड से कहती है, मैम वो प्रिंस। तो जिन कहती है, क्या हुआ मिस हान, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? उसके बाद जिन जैसे ही डोर के पास आती है, जेके को देख शॉक्ड हो जाती है। जेके तेई को लेके मेंशन में एंटर करते हुए तेई के यार के पास आकर कहता है, अगर तुमने मेरे फैमिली को हमारे फोर्स मैरिज के बारे में कहा तो तुम्हारे लिए और तुम्हारे फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। एंड उसके बाद वो दोनों घर के अंदर आते हैं। जोंगकुक और तेई को देख वहाँ खड़े सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं एंड कंटिन्यूसली उन दोनों को ही देखे जा रहे होते हैं। शुगा भी शॉक्डली जोंगकुक के बिहेवियर को देख उसी को घूरने लगता है। फिर नामजून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड जोंगकुक के पास आके कहता है, व्हाट द हेल, ये सब क्या है? तो जोंगकुक कहता है, कुछ नहीं डैड, तेई से मैंने शादी कर ली, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे इसीलिए हम लोग ने शादी कर ली। जिन कहती है, हमें तुमने इन सब के बारे में क्यों नहीं बताया जबकि मैं तुमसे हमेशा कहते थे? तभी जेहोप की एंट्री होती है एंड जेहोप तेई और जोंगकुक के देख बहुत ज्यादा शॉक्ड होके कहता है, ओ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? और वहाँ सभी लोग बस जोंगकुक और तेई की बातें को सुन रहे होते हैं। तभी नामजून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो जोंगकुक को स्लैप करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है। तभी तेई उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है, आई एम सॉरी अंकल। तो जून कहता है, देखो तेई, मुझे पता है कि ये सब फोर्सफुल किया गया है और तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर उसे डर के ये सब कर रहे हो, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम लोग कभी रिलेशन में थे ही नहीं, अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मुझे पता चलती। जोंगकुक, झूठ बोलने की भी हद होती है, तुमने उसको क्यों इतना डराया है? तो तेई कहती है, नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जोंगकुक से प्यार करती हूँ और मैंने ये शादी फोर्सफुली नहीं किया है, मैं जोंगकुक से प्यार करती हूँ। हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से एक साथ रह रहे थे और हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते, इसीलिए मैंने ये शादी किया है, बट ये इतना सडनली होगा बोल के मुझे नहीं पता था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बट इसमें पूरी गलती जोंगकुक की नहीं है, जितनी गलती उसकी है उतनी मेरी भी है, मुझे बड़ों के परमिशन के बगैर ये शादी नहीं करनी चाहिए थी, आई एम सॉरी। तेई अपने सर झुका के नामजून के सामने खड़ी रहती है तो नामजून कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि वो तेई को अच्छे से जानता था कि तेई बहुत ही अच्छी लड़की है और ये सब के पीछे ज़रूर जोंगकुक का हाथ है, बट वो उस वक्त कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी मिस्टर ली, ये सब क्या हो रहा है नामजून, तुमने यहाँ हमारे मेरे बेटे की शादी के लिए बात करने के लिए बुलाया है या फिर अपनी बेटी की शादी की मिठाई खिलाने के लिए? हाँ, ये सब क्या है? अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुम पहले ही बता देते ना, तुम मेरी इंसल्ट क्यों किए यहाँ पे बुला के? अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद मिस्टर ली बोगम को लेके वहाँ से चले जाते हैं। नामजून कुछ कह ही नहीं पाता है अपनी सफाई में एंड उसके बाद मिस्टर ली वहाँ से चले जाते हैं एंड नामजून जोंगकुक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड जोंगकुक को कहता है, कुक, मेरे पेशेंट को टीस मत करो, मुझे सच सुनना है और अगर तुम सच नहीं कह सकते तो यहाँ से चले जाओ, मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ। तेई कहती है, अंकल ऐसा कुछ नहीं है, जोंगकुक आपसे बहुत प्यार करता है और वो ये
ऐसे नहीं करना चाहता था, बट पता नहीं क्या हुआ कि वो ऐसे शादी किया। मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, हमें माफ़ कर दीजिए, और आप हम दोनों को सज़ा दे सकते हैं। आप हमारे बड़े हैं और बड़े कभी भी कोई भी गलत डिसीज़न नहीं लेते हैं। अगर आपको लगता है कि हम दोनों को ऐसे शादी नहीं करनी चाहिए, तो हम दोनों ये शादी को तोड़ देंगे। तभी जिन कहती है, नहीं, शादी कोई मजाक नहीं है, जिस जब मन चाहा कर लिया और जब चाहा तोड़ दिया। अगर तुम दोनों ने शादी किया है तो ये शादी को तुम दोनों को पूरी जिंदगी निभा के जाना पड़ेगा। तभी नामजून कहता है, जोंगकुक मुझे तुम्हारे मुंह से सच सुनना है, सच बोलो। तभी जोंगकुक कहता है, डैड मैं सच में तेई से प्यार करता हूँ, मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ये बात तब तक नहीं पता थी जब तक वो मेरे पास था। पार्टी के दिन जब तेई मेरा बात नहीं सुन रहा था और वो बाकी लड़कों से बात कर रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि मैं क्यों जेलस फील कर रहा हूँ। और जब आपने तेई की शादी मिस्टर ली के बेटे से करना चाहा, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया एंड बहुत ज़्यादा डर गया। समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ क्या, मुझे बस तेई को खोने का डर सताने लगा था। देन जब आपने कहा कि मिस्टर ली का बेटा तेई से मिलने के लिए आने वाला है, तो मैं और ज़्यादा डर गया। और मैं उससे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मैं उस शादी तो दूर की बात है डैड, मैं उसे किसी से मिलने भी ना दूँ, मैं उसको किसी के साथ नहीं देख सकता, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। जब मैंने बोगम से बात किया तो मैं और ज़्यादा डर गया और मुझे लगा कि मैं तेई को खो दूंगा। इसी वजह से मैं डर के मारे तेई को ज़बरदस्ती शादी की एंड उसे डरा के अपनी वाइफ बना लिया। बट मैं तेई के बिना नहीं जी सकता डैड, अगर आप तेई को मुझसे अलग कर दोगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। आई रियली लव हर डैड, आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। तो जिन कहती है, तेई क्या तुम इस शादी से खुश हो? तो तेई हाँ मैं अपने सिर को हिलाती है। एंड फिर ये सब देख जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करता है कि वो तेई के साथ इतना बुरा कर रहा है, लेकिन वो तेई को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो किसी और के साथ तेई को तो शेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जिस वजह से वो बस यही सोचता है कि वो उससे माफ़ी मांग लेगा एंड फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो नामजून कहता है, तेई बेटा मैं तुम्हारे डैड का दोस्त हूँ, तुम्हें पता है मैं ही वो इंसान हूँ जो तुम्हारे हर प्रॉब्लम में एंजल बन के सीक्रेटली तुम्हारी हेल्प किया करता था एंड तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखता था। मैं इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम गिल्ट में जियो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें एज अ बहू एक्सेप्ट कर मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर तुम सच में जोंगकुक से प्यार करती हो तभी तुम इस रिलेशन को कंटिन्यू करना, अदरवाइज तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा एंड तुम जो चाहे वो कर सकती हो। तुम्हें जोंगकुक से डर के रहने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ऑर्डर है, ठीक है? तेई कहती है, जी अंकल। तो नामजून कहता है, अंकल नहीं डैड कहो। जी डैड। तो जोंगकुक कहता है, डैड आई एम सॉरी, मैंने जो किया बस वो घबराहट में किया, आई एम सॉरी डैड। तो नामजून कहता है, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम से अगर तुमने तेई को हर्ट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो जोंगकुक कहता है, ओके डैड। तेई बेटा चलो मैं तुम्हें जोंगकुक के कमरे तक लेके जाती हूँ, ये दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है, तुम फ्रेश हो जाना। एंड उसके बाद जिन तेई को लेके चली जाती है। शुगा कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई ने शादी कर ली। तो जोंगकुक कहता है, आई एम सॉरी भाई। एंड उसके बाद वो लोग काफ़ी देर तक बातें करते हैं। अदर साइड शुगा जिमिन से मिलने के लिए जा रहा होता है। जिमिन जो कल से भूखी शुगा का इंतज़ार कर रही थी, शुगा नहीं आया, इस वजह से जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्सा थी शुगा से और बिना खाए पिए ऐसे ही बैठी हुई थी। शुगा मेंशन में आके जिमिन के लिए खाना लेके जिमिन के पास जाता है, बट जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो शुगा से बात करना तो दूर, उसे देखना भी नहीं चाहती थी, बट शुगा उसको बहुत क्यूटली मनाने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से जिमिन अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाती है एंड हंस देती है। शुगा इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसे टीज करना शुरू करता है एंड उसे गुदगुदी करना शुरू कर देता है, जिस वजह से जिमिन और ज़्यादा हंसने लग जाती है। एंड फिर शुगा उसे मना लेता है एंड दोनों साथ में खाना खाते हैं। शुगा डिनर करते वक्त बस यही सोच रहा था कि वो जिमिन को ये सब कैसे बताए, जो सब हुआ और जो हो रहा है वो ये सब कैसे एक्सप्लेन करे। अगर ये सुनने के बाद जिमिन शुगा को छोड़ के चली गई तो शुगा क्या करेगा, बस ये सब सोच
रहा था तभी जिमिन आवाज देते हुए कहती है, क्या बात है शुगा, कुछ प्रॉब्लम है? तुम बहुत खोए खोए से लग रहे हो। तो शुगा कहते हैं, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम्हें पता है मेरा भाई जियोन जोंगकुक जो उस दिन पार्टी में तेई को अपने साथ लेके गया था, एक्चुअली तेई और जोंगकुक ने आज शादी कर ली है। जिमिन ये सुन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, कहती है, व्हाट, इम्पॉसिबल। एंड अदर साइड जो सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, तभी जिन कहती है, आज तो तुम लोग की फर्स्ट नाइट है, मैंने तुम दोनों के लिए रूम डेकोरेट करवा दिया है। तब ते कहती है, मॉम डैड क्यों ना फर्स्ट नाइट को कैंसिल कर दिया जाए। तो जोंगकुक कहता है, व्हाट, क्यों? तो ते कहती है, हमने मम्मी पापा के बिना शादी की है, जब तक हम मम्मी पापा की मर्जी से शादी नहीं कर लेते तब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे और ना ही हस्बैंड वाइफ है। इतना सुन जोंगकुक बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आरएम तेई को सपोर्ट करते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही कहा तुमने तेई बेटा, ये जोंगकुक का पनिशमेंट है हम दोनों को बिना बताए शादी करने के लिए। अब जब तक तुम दोनों की पूरी ऑफिशियल मैरिज नहीं हो जाती है तब तक तुम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हो एंड तुम दोनों एक दूसरे के साथ भी नहीं रहोगे, ठीक है? अदर साइड शुगा ने जिमिन को पूरी बात बता दी थी, पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जिमिन कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोग को धोखा दे रही थी? सीरियसली इसी वजह से तुमने किडनैप किया? और तेई और जोंगकुक ने शादी कैसे की? ये सब तो गलत है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे इसीलिए उन्होंने शादी की। तो जिमिन कहती है, प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, क्या तुमने मुझसे शादी की? तुमने तो मुझसे शादी नहीं की और ना ही मुझसे कभी किसी तरीके का कोई दबाव डाला, फिर उसने तेई तेई के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया उसने शादी तेई के साथ? जिमिन बहुत ज्यादा टेंशन में थी इसीलिए वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बोल रही है, और वो अपने दिल की बात और अपने मन की बात शुगा से कह देती है। शुगा कहता है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? जिमिन शाई फील करने लगती है, उठ के जाने की कोशिश करती है, तो शुगा उसके हैंड को ग्रैब कर कर उसे अपने लैप पर बिठा लेता है एंड कहता है, सच सच कहो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो जिमिन कहती है, हाँ शुगा। एंड उसके बाद शुगा जिमिन को टाइटली हग कर लेता है एंड कहता है, आई लव यू जिमिन, आई लव यू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट मैं ये बात तुमसे कह नहीं पा रहा था। मुझे पता है जिमिन, तुम वो पहली लड़की हो जिसको मैंने अपने लाइफ में एंटर करने दिया और मैंने उसको अटेंशन दिया। मैंने तुम्हें पहली बार रोड पे देखा था, तब से लेके आज तक मैं तुमसे बहुत प्यार करता आया हूँ, आई लव एंड फिर यू। शुगा जिमिन के फोरहेड पे एक सॉफ्ट किस करता है एंड कहता है, प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी। एंड जिमिन, मैं तुमसे बहुत लंबे टाइम से प्यार करता आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अपने लव को अपने फैमिली के सामने बताऊँ, तो तुम मेरे साथ कल मेरे घर चलो, मैं अपने मॉम डैड से ये सब कहना चाहता हूँ, मेरी मॉम तो तुम्हें बहुत पसंद करती है, जब वो उन्हें पता चलेगा कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं तो वो बहुत खुश हो जाएगी। जिमिन कहती है, क्या तुम सच में मुझे अपने घर लेके जाओगे? तो शुगा कहता है, ऑफ कोर्स जिमिना, तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो, मैं तुमसे शादी करके रहूंगा, तो तुम्हें लेके अपने घर क्यों ना जाऊं। एंड उसके बाद शुगा उसके लिप्स पे सॉफ्ट किस करना स्टार्ट करता है। अदर साइड जोंगकुक तेई के पास आकर कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो तेई कहती, ये तुम्हारा पनिशमेंट है। तो जोंगकुक कहता है, ओके फाइन, लेकिन ये तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी फर्स्ट नाइट तुमने खराब कर दी। तो तेई कहती है, मैंने कहा ना ये तुम्हारी पनिशमेंट है और अब भुगतो इसे, तुमने मेरे साथ फोर्सफुली मेहनत की है, तो कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए था मुझे, ऑब्वियसली तुमने मुझसे शादी की है, गिफ्ट तो देना बनता है, देन ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हमी, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना, ठीक है? और वीडियो कैसी हो रही है आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, बाय बाय, सारे गेट पर।